नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल आने पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं रश्मि रथी खंड काव्य। तो रश्मि रथी के दो सर्ग मैं आपको सुना चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे सुन सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रथी खंड काव्य का तृतीय सर्ग। तो रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि जब कौरवों ने पांडवों को द्युत क्रीड़ा में छल से हरा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके बाद जब वो 13 वर्ष बाद वापस आते हैं इंद्रप्रस्थ, तो भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, अगर आधा भी नहीं दे सकते तो प्रत्येक पांडव को एक एक गाँव दे दो, मतलब इस हिसाब से तुम 5 गाँव जो है पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन इस पर राजी नहीं हुआ, उल्टा उसने कृष्ण का अपमान कर दिया और अपने सैनिकों से कहा कि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। इससे कृष्ण बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने उस सभा में अपना विराट स्वरूप दिखाया और उस स्वरूप को देखकर उस सभा में लगभग सभी लोग मूर्छित हो गए, केवल विदुर और धृतराष्ट्र ही उस विराट स्वरूप को देख पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को समेटा और उस सभा को छोड़कर वो वापस चले गए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है पत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जुआ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण पड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं व पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रंग एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छंजाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर रसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे,
या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कगती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तुल्य मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रंग होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रंग ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोग खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।